आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ईद पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन के अपन ने दो भाग पढ़े थे, जिसमें अपने शरीर की साफ सफाई, और कपड़ों की साफ़ सफाई, अपने आसपास परिवेश की साफ़ सफाई, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी हमें खुली धूप और ताज़ी और शुद्ध हवा, ये स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अगर हम इसका सेवन नहीं करेंगे तो एक तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, जो धूप से विटामिन डी मिलता है वो नहीं मिलेगा। दूसरा, हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। यानी हम जो भी पानी पीते हैं वो शुद्ध हो और पानी को छान कर पीना चाहिए, और पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो, ऐसा ही पानी हमारे को पीना चाहिए। तोसी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए, यानी हमें पानी शुद्ध पीना चाहिए। पानी से ही कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे डायरिया है, ये घुटनों में दर्द हैं और पेट में दर्द हैं, तो इस प्रकार की कई बीमारियां अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं, तो हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। बात हो गई तो खाना लगा दूँ, सुषमा की आवाज़ आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ों और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी वार्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। यानी हमें भोजन किस प्रकार करना चाहिए, भोजन भी शुद्ध हो, ताज़ा हो और पौष्टिक होना चाहिए। दूसरी, बाज़ार में देखा होगा आपने, कई प्रकार की खुली चीज़ें होती हैं जिन पर दिन भर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, तो हमारे को इस प्रकार की सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। और बाज़ार में भी आपने देखा होगा कई प्रकार के फल और सब्जियां जो लाते हैं उनका भी धोकर उपयोग करना चाहिए। और खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी वार्मिंग की गोलियां, आजकल हमारे जो विद्यालय हैं इनमें सरकार द्वारा एक डी वार्मिंग की गोलियाँ और आयरन की गोलियां दी जाती है। डी वर्मिंग की गोलियों से जो पेट की जो बीमारी है वो दूर होती हैं, और आयरन की गोलियों से हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है उसको पूरा करती हैं। खाना लगा तब तक उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। यानी हमारी अच्छी तबीयत हो, शरीर हमारा मजबूत हो, इसके लिए हमारे को प्रतिदिन व्यायाम और कसरत करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हो जिनसे शारीरिक व्यायाम हो, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। यानी हमें प्रतिदिन खेल में रुचि लेनी चाहिए, लेकिन ऐसे खेल होने चाहिए जिससे हमारे शरीर में पसीना निकले और जिससे हमारा शारीरिक व्यायाम हो जाए, ऐसे खेल हमारे को खेलने चाहिए। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो।
खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। यानी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की पहली निशानी है खुश रहना। और खुश रहने के लिए न चिढ़ें, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें, यानी मन मस्त कहते हैं रहें, धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। का है न हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। यानी हमारे को स्वस्थ रहना है, हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम भी, हमारा मन भी स्वस्थ होगा। तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हुए जो इस पाठ में हमने बातें बताई है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जय हिंद। आगे आज के कक्षा कार्य, पहला प्रश्न है, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन सी गोलियां दी जाती हैं, लिखो। यानी अपने विद्यालयों में स्वास्थ्य संबंधी कौन सी गोलियां दी जाती हैं, इसका उत्तर है एक डी वर्मिंग की गोलियां व आयरन की गोलियां। प्रश्न क्रमांक दो, धूप से हमें क्या मिलता है, इसका उत्तर है विटामिन डी मिलता है। प्रश्न क्रमांक तीन, हमें कैसा पानी पीना चाहिए, पानी शुद्ध हो व छान कर पीना चाहिए। प्रश्न क्रमांक चार, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमारा भोजन शुद्ध ताज़ा व पौष्टिक होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक पाँच, हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है, खेलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है व मन भी प्रसन्न रहता है। प्रश्न क्रमांक छः, अच्छे स्वास्थ्य की निशानी क्या है, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। आज का गृह कार्य, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही होने पर सही व गलत होने पर गलत का निशान लगाएं। खुली धूप, आज का गृह कार्य प्रश्न वाक्य एक है, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, इसका उत्तर आपको बताना है। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करना चाहिए। आगे वाक्य क्रमांक तीन है, खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाना चाहिए, हाँ या ना, ये आपको लिखना है। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ, ये सही है या गलत है, इसका भी उत्तर आपको देना है।